हाय फ्रेंड, ताहिर बर्ड्स लवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज का टॉपिक लव बर्ड्स के सॉफ्ट फूड्स के बारे में है, जो कि लव बर्ड्स जब चीक्स निकाल दे तो कौन सा सॉफ्ट फूड्स देना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत सारे बंदे जो नए ब्रीडर रहते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कौन सा सॉफ्ट फूड्स दें और कौन सा ना दें। इसी कन्फ्यूज़न में कोई सा भी सॉफ्ट फूड्स दे देते हैं, जिसके वजह से चिक्स एक्सपायर कर जाता है। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है फ्रेंड जो कि मैं देता हूँ अपने लव बर्ड्स को सीट मिक्स मिला के, सॉफ्ट फूड्स मिला के। ठीक है फ्रेंड, और ये देखिए फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपको, ये करीब से दिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल करीब से, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है फ्रेंड, नए ब्रीडर के लिए कन्फ्यूज़न ना हो। ये गेहूं है, ये हर घर में अवेलेबल रहता है फ्रेंड। ठीक है, ये गेहूं है। और उसके बाद इसको तो आप पहचानते होंगे, काली चना, जो चना होते हैं ये है वो, और ये है। ठीक है फ्रेंड, और ये मटर, मटर आप देख रहे हैं, मटर है फ्रेंड। और उसके बाद ये रहा मूंग का दाल। और फ्रेंड, इसी तरह एक मूंग का दाल आता है फ्रेंड, जो कि ये मसूर का दाल आता है। इसी तरह ये मूंग का दाल है फ्रेंड, और ये मसूर का दाल है। तो मैं ये मसूर का दाल इस तरह तो मिला नहीं मुझे, तो इस तरह मिला तो मैं ऐसा ही ले लिया हूँ। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद, और ये है मक्का, मक्का जो बोलते हैं, पीली मक्का है फ्रेंड। ये भी आप सारे चीज़ मिला के आप एक सीट मिक्स बना लें और इसको फूलने के लिए धर दें पूरी नाइट, और उसके बाद सुबह आप दें। मैं अपने बर्ड्स को तो फ्रेंड, मैं अपने बर्ड्स को दोपहर में देता हूँ सीट मिक्स खाने के लिए, सुबह कोई सब्ज़ी वगैरह दे देता हूँ खाने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा फ्रेंड, जो मैं इसको मिला के बनाया हूँ सीट मिक्स, वो मैं दे दिया हूँ बर्ड्स को। थोड़ा सा रख रखा हूँ कि इसको मिलाने के बाद कैसा दिखता है, किस तरह से, वो मैं दिखाता हूँ, और फूल के कितना बड़ा बड़ा होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये सॉफ्ट फूड्स आप अपने बर्ड्स को दें, ताकि उनका चिक्स भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे, बर्ड्स भी हेल्दी रहे। और फ्रेंड, लव बर्ड्स सॉफ्ट फूड्स ज़्यादा पसंद करते हैं अपने चिक्स को खिलाने के लिए, तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें। जब चिक्स निकलना स्टार्ट हो जाए, निकल जाए, तो सॉफ्ट फूड्स पे ख़ास ध्यान दें फ्रेंड। हो सकता है वीडियो बनाने मुझे कोई गलती भी हो, तो फ्रेंड आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करें कि ये चीज़ गलती है, तो मैं वो सुधार लूँगा। मैं भी नया नया ब्रीडर हूँ फ्रेंड, मेरे दोस्त लोग बताते हैं जो हमारे कासगंज के हैं, हमारे दीपक भाई, वो मुझे बहुत एक्सपायर करते हैं, बहुत मदद करते हैं इन सब चीज़ों में। तो आप भी फ्रेंड देख देख के सीखें। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो सॉफ्ट फूड्स बन के तैयार कैसा हो गया है। ये सारा चीज़ है, आपको एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ बारी बारी से। ये गेहूँ है, ये चना, ये मटर, ये मूंग का दाल, और ये मसूर का दाल, और ये मक्का। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो सीट मिक्स बन के तैयार कैसा हुआ है। फ्रेंड, वो ये ऐसा रहा, तो वो ये बन के तैयार हुआ फ्रेंड। ये सीट मिक्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरे पास एक ही पैर है फ्रेंड, तो मैंने ये दे दिया हूँ फ्रेंड नाइट में सारी मिक्स करके, और ये पूरा ऐसा हो गया बन के फ्रेंड। ये अच्छी तरीके से फूल गया, अभी मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दूँगा, और वॉश करने के बाद फ्रेंड मैं इसको बर्ड्स को दे दूँगा खाने के लिए, और ये शाम तक बिल्कुल खा लेंगे पूरी, उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगा। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ है, मक्का है, ये गेहूँ है, और चना है, मटर है, और फ्रेंड
मसूर का दाल है, मूंग का दाल है, ये सब कुछ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी इसी तरह बना के अपने बर्ड्स को दें ताकि आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और आपका बर्ड्स का जो चिक्स है वो भी हेल्दी निकले फ्रेंड। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर दिया करें। मैं इसको आगे रख दिया हूँ फ्रेंड। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर दिया करें फ्रेंड ताकि आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और फिट फाट रहें। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।